नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड सरकार के मुखिया चंपई सोरेन आज 30 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं। ये छात्र छात्राएं कल्याण गुरुकुल और कौशल विकास के तहत लिए प्रशिक्षण के लिए ये अब विदेश जाएंगे और वहां अपना रोजगार तलाशेंगे, साथ में रोजगार भी करेंगे। तो 30 छात्र छात्राओं को चंपई सोरेन ने आज नियुक्ति पत्र बांटा है और उनके उत्थान के लिए, जनजाति समाज के लिए, साथ में जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। और इसको लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं चंपई सोरेन, आइए सुनते हैं। जो इस कार्यक्रम को आयोजक किया, राइट पथ फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विकास सहित अविनाश कुमार जी, स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव हमारे अजय, नगर सचिव हमारा अरवा राजकुमार और इस फाउंडेशन के सभी परिवार, विशेष करके फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम, जो झारखंड जैसे प्रदेश में, इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जो आज शिलान्यास में हम सबसे पहले उनको हम बड़ा बधाई देंगे। जो बड़ा जरूरत है इस प्रदेश में, इस तरह का मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल जो आज फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत कुमार गौतम ने अपना कदम बढ़ाया। क्योंकि हर समय हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, झारखंड के परिवार बड़ा बड़ा शहर जाते हैं, कहीं कोई हैदराबाद जाते हैं, कोई चेन्नई जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, आज जिस तरह से आज विचार रखा और ये स्मार्ट सिटी एरिया में है, और मानुष जीवन के लिए ये शरीर को साथ में ले जाने के लिए हॉस्पिटल बड़ा जरूरी है। हर मानुष जीवन को बिना हॉस्पिटल से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल का बड़ा जरूरी है। हमारा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सचिव आप लोग ने बताया, हमारा मेडिकल कॉलेज कितना है, प्राइवेट में कितना है, कितना डॉक्टर का कमी है, जो होना चाहिए डॉक्टर वो उतना नहीं है। और इसने इस हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल सेवा वो भी फ्री चिकित्सा भी करेंगे। इसीलिए आज राज के लिए जो कदम है ये बहुत सराहनीय कदम है। इसीलिए आज उम्मीद करेंगे जो आज फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिजीत कुमार से पूरा हम लोग का विश्वास है और राज्य सरकार की ओर से हर तरह की सुरक्षा की हम लोग को, हमारा दायित्व है। कोई भी संस्था हो, कोई भी निवेश करने आते हैं, इस राज की गति देने के, राज का विकास कर देने के लिए
राज के काम में सहयोग करने के लिए ये सरकार के दायित्व भी है उसका साथ खड़ा होने का। इसीलिए आज बड़ा खुशी है कि आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में आज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल आज शिलान्यास हुआ, क्योंकि आज पूरा राज्य के अंदर में सरकार की सोच भी है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चिकित्सा की अच्छा व्यवस्था हो, ताकि कोई भी परिवार बिना चिकित्सा के अभाव से उनका तकलीफ ना बढ़े। इसलिए आज सरकार की सोच भी है कि हम लोग डॉक्टर की कमी है महसूस किया है, उसको बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज का जरूरत है, हॉस्पिटल का भी जरूरत है, जो बाड़ा से बाड़ा यहाँ पर ट्रीटमेंट हो सके। इस शरीर में बहुत तरह की बीमार नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कुछ खुशी मिला मुझे नियुक्ति पत्र, मैं मुकेश प्रसाद, मुझे नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी से हाथों मिला, मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं आपको आवाज बैक कर मतलब बता नहीं सकता हूँ इतना खुश हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ और मुझे जॉब की बहुत जरूरत है और वो जॉब मुझे मिल रहा है। किस भेजा जा रहा है? हम लोगों को दुबई भेजा जा रहा है, सोनरे कंपनी है। किस चीज में प्रशिक्षण लिया है आपने? 1250 नहीं पर मंथ। दुबई में दुबई में जाके क्या करेंगे? दुबई में जाके स्टील फिक्सर, असिस्टेंट स्टील फिक्सर। कितना मिलेगा, कितना महीना? 12 मंथ तो बता रहे, 1250 दरम, 1250 दरम, यानी यहाँ के हिसाब से 21600 कुछ हो सकता है। अच्छा, हाँ जी सर बताइए। जोहार, मेरा नाम किशोर चंद्र मोहंती है और मैं कल्याण गुरुकुल खुंटी का प्रिंसिपल हूँ। आज मेरे 13 स्टूडेंट जो दुबई जा रहे हैं सुनहरे कंपनी में, ये स्टील फिक्सर के तौर पर जा रहे हैं और इनकी सैलरी जो है 12500 धीरम है और इंडिया की पैसा में ये 22000 रुपया होता है और उनके साथ साथ इनको खाने और रहने का फ्री है। ये सभी छात्र जो हैं झारखंड के हैं, अलग अलग जिला के हैं। टोटल कितने छात्र हैं जो जा रहे हैं दुबई? अभी 13 छात्र जा रहे हैं, इससे पहले मेरे गुरुकुल से 180 छात्र जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री के हाथों से इन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला, तो कितने खुश हैं आप अपने गुरुकुल से ऐसे छात्रों को निकाल रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसको झारखंड सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार हमारे साथ जोड़े हैं और हमारे जैसे गरीब बच्चे को विदेश भेजने में मदद कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से झारखंड सरकार को और मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। खुश हैं जो कि आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से आपको मिला है? मेरा नाम अनिमा केकर। जोर से। मेरा नाम अनिमा केकर है, मैं जयवासों से हूँ। मुझे नियुक्ति पत्र मिल के बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि सीएम सर मुझे दिए हैं, मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। अब क्या काम करेंगे, किस चीज़ की नियुक्ति पत्र मिली है आपको? नर्सिंग के लिए। अच्छा, कहाँ आप काम करेंगे? हैदराबाद। हैदराबाद में कितनी सैलरी होगी? 12,000 to 15,000। अच्छा, 12,000 to 15,000 के बीच में होगा सैलरी। आप संतुष्ट है, खुश है? हाँ। आपको अभी सोचा था कि हैदराबाद आप चले जाएंगे? नहीं। ठीक है, अपना नाम बता दिए। तो देखा अभी आपने कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे चंपई सोरेन। चंपई सोरेन सीधे तौर पे कह रहे थे कि कौशल विकास योजना के तहत और कल्याण गुरुकुल के तहत छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाने में सरकार कृत संकल्पित है। ऐसे में जो जनजाति समाज के छात्र हैं, पिछड़े समाज के जो छात्र हैं, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी और उनका परिवार भी खुशहाल होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।